हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिकेंटर्स के बारे में। सो कई लोग मुझे कहते हैं कि प्लीज सर, डिकेंटर्स के ऊपर एक वीडियो बनाइए। एंड आई रियली वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन डिकेंटर्स बिकॉज आई लव कलेक्टिंग डिकेंटर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एंड आई रियली फील कि अगर आप अपना एक होम बार बनाना चाहते हैं, अगर आप एक्सपेंसिव विस्की, एक्सपेंसिव लिकर पर पैसा खर्च करते हैं, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो लुक एट इन्वेस्टिंग इन डिकेंटर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आता है कि डिकेंटर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। वेल, डिकेंटर्स आर वेसल्स और स्टोरेज यूनिट्स जिसमें आप अपना वाइन, विस्की या कोई और लिकर रख सकते हैं। टेक्निकली यू कैन स्टोर एनी लिक्विड, इवन वाटर इन योर डिकेंटर्स, बट नॉर्मली इसका यूज करा जाता है वाइन या किसी और अल्कोहलिक स्पिरिट्स के लिए। बट डिकेंटर्स का यूज क्यों किया जाता है? वेल, अगर हम पुराने जमाने में देखें, लॉन्ग बैक इन द हिस्ट्री बुक्स, नॉर्मली डिकेंटर्स का यूज करा जाता था वाइन के लिए। और जो वाइन बनती थी उस जमाने में, दे वर नॉट वेरी प्योर, काफ़ी सेडिमेंट्स होते थे फाइनल प्रोडक्ट जो होता था। सो उन्हें डिकेंटर्स में डाल दिया जाता था, जिसे हम कहते हैं डिकेंटेशन प्रोसेस। उस डिकेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो सेडिमेंट्स होते थे वो नीचे सेटल हो जाते हैं वाइन के, और देन द वाइन इज रेडी टू ड्रिंक। बट अब क्वेश्चन आता है दैट वाई शुड वी यूज डिकेंटर्स इन दिस डे एंड एज, जब हर बॉटल जो हम खरीदते हैं वो बहुत ही केयरफुली सील्ड पैक होती है, उसमें से कोई सेडिमेंट्स होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग डिकेंटर्स नाउ? वेल, वाइन की बॉटल जब हम खरीदते हैं, इवन दो इट्स सील्ड पैक, इट इज स्टिल नॉट रेडी टू ड्रिंक। इट इज हाईली रिकमेंडेड जब आप वाइन की एक नई बॉटल खोलते हैं, यू शुड लेट इट सिट एंड ब्रीथ फॉर अ वाइल। इसीलिए उसे एक एडिएटर में या एक कराफ में या डिकेंटर में डाल दिया जाता है, सो दैट द वाइन कैन ब्रीथ एंड कैन बी रेडी टू ड्रिंक। लेकिन अगर हम बात करें विस्की, रम या किसी और स्पिरिट की, देन इट इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। बिकॉज हालांकि इट इज़ ट्रू कि जब आप एक नई विस्की की बॉटल खरीदते हैं, यू शुड लेट इट सिट एंड ब्रीथ फॉर अ फ्यू मिनट्स बिफोर यू ड्रिंक, बट दैट कैन बी डन इन योर ग्लास इटसेल्फ। और ज़्यादातर जब आप एक विस्की की नई बॉटल खरीदेंगे, तो उसके बाद आप उसे पूरी ख़त्म नहीं करेंगे, यू विल हैव अ फ्यू ड्रिंक्स एंड देन पुट इट बैक। एंड बिकॉज ऑफ दैट अपनी विस्की को एक डिकेंटर में डाल के रखना, आई थिंक थोड़ा सा पॉइंटलेस होता है, बिकॉज आपकी जो बॉटल है दैट इटसेल्फ इज अ डिकेंटर, इट्स मेड ऑफ ग्लास एंड इट विल कीप योर विस्की और रम सील्ड एंड इन गुड कंडीशन। बट अगर आपके घर में कोई पार्टी है जिसमें आपको लगता है कि पूरी बॉटल उसी दिन ख़त्म हो जाएगी, या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने गेस्ट को ना दिखाएं कि आप कौन सी लिकर उन्हें सर्व कर रही हैं, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। मैंने एक बार एक पार्टी होस्ट करी थी एंड आई इट वॉज ड्यूरिंग विंटर्स, सो आई ऑफर्ड रम, बट मुझे ओल्ड मॉन्क नहीं मिली कहीं पर, बिकॉज नॉर्मली ओल्ड मॉन्क लोग पीते हैं, और मुझे ओल्ड मॉन्क नहीं मिली थी। सो आई गॉट अ डिफरेंट रम, और आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं वो रम की बॉटल अपने पार्टी में रखूँ। सो आई यूज द डिकेंटर एंड आई पुट द रम इन द डिकेंटर एंड एवरी वन एन्जॉयड इट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नॉट फॉरगेट दैट देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिकेंटर एंड अ कराफ। फॉर एग्जाम्पल, दीज टू आर कराफ्स, दे आर नॉट डिकेंटर्स। दो मेजर डिफरेंसेज होते हैं डिकेंटर्स और कराफ में। डिकेंटर्स जो होते हैं यूजली दे आर मेंट फॉर स्टोरिंग अ लिक्विड, यू कैन स्टोर इट for a longer duration. Carafes usually aate hain for the purpose that you are using that drink on the table. It's easier to serve, usme koi upar cap nahi hota hai, and it's much more easier to serve. Uska jo base hota hai, it's much more sleeker. As you can see, this is might be a bit difficult to hold if you are sitting on a table, but this is very easy to hold and pour in your glass. So carafes are not meant for storing your drink because there is no cap. So aapki jo alcohol hai puri oxidize ho jayegi. This is meant for drinking while you are sitting on the table, while you are planning to finish the drinks. Maybe jab aap khana kha rahe ho saath mein, you can have a carafe. उसमें आप wine नहीं तो कुछ भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं. I feel that it really adds to your dining table look. Now the big question, कि क्या आपको डिकेंटर एक्चुअली में खरीदना चाहिए जब आपको अपनी विस्की को डिकेंट करने की जरूरत ही नहीं है और आप वाइन पीते ही नहीं हैं, तो क्या करना है डिकेंटर को खरीद कर? Well, as I said earlier that
इट इज मोर अबाउट एस्थेटिक्स देन एनीथिंग टेक्निकल. आई थिंक एक डिकेंटर, एक अच्छा डिकेंटर आपके होम बार की जो लुक है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है. इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट बिल्डिंग अ नाइस होम बार देन यू शुड लुक इन टू इन्वेस्टिंग इन अ गुड डिकेंटर. और अगर आप एक अच्छा डिकेंटर खरीदते हैं जो कि चाहे थोड़ा महंगा पड़े आपको एक सिंगल मोल्ड विस्की के प्राइस जितना, बट इट विल लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल देर आर सम डिकेंटर्स जो ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स ओल्ड हैं एंड दे स्टिल लुक एज गुड एज न्यू. सो अगर आप एक अच्छा डिकेंटर खरीदते हैं इट विल एड वैल्यू टू योर होम बार एंड इट विल लास्ट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट डिकेंटर्स अलग अलग प्राइस रेंज में आते हैं. दिस डिकेंटर आई थिंक इज लेस देन 500 रुपीज, मुझे गिफ्ट में मिला था ये कहीं से. दिस इज नॉट इवन अ डिकेंटर, ये एक विस्की की बॉटल है जो मेरे पास बहुत सालों से पड़ी है. इट्स अ मोहन मीकिन गोल्डन ईगल, बट इसे मैं आज की डेट में डिकेंटर की तरह यूज़ करता हूँ बिकॉज इट लुक्स रियली नाइस. सो अगर आपके पास कोई ऐसी विस्की की बॉटल है विच हैज़ गुड क्वालिटी, यू कैन यूज़ इट एज अ डिकेंटर. आई हैव अ फ्रेंड जो विस्की की बॉटल्स को डेकोपैश करके अच्छे से डेकोरेट करती हैं एंड दे यूज़ इट एज डिकेंटर्स एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. सो यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू गेट अ गुड डिकेंटर. बट अगर आपने डिसाइड कर लिया है दैट यू वॉन्ट टू बाय अ डिकेंटर, सो किन इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड कि आपका पर्पस क्या है, आपका यूज़ क्या है, वेदर यू वॉन्ट टू बाय अ डिकेंटर और अ कराफ और एन एरिएटर विच इज़ ऑल्सो यूज फॉर वाइन. आपको मैंने बता दिया है कि क्या डिफरेंस होता है एक डिकेंटर में और एक कराफ में. You have to decide कि कौन से material का decanter आपको खरीदना है. Nowadays you have decanters which are made of metal, जो कि पुराने ज़माने में भी यूज़ होता था. जैसे कि अगर आपने कोई पुराना टी वी शो देखा है जो पुराने टाइम को रिप्रेजेंट करता है, फॉर example गेम ऑफ थ्रोन्स, यू विल सी ब्रॉन्ज सिल्वर decanters being used. कई जगहों पे वुडन decanters भी यूज़ होते थे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट स्टोरिंग एल्कोहल इन metal or wood is not a good idea in the long run. Uske alawa you can use glass decanters jo ki introduce hue the Venice se. Venice ke paas ek chota sa jagah hai jiska naam hai Burano, jahan ka glass kafi famous hai aur kaha jata hai ki wahin se aaye the glass decanters. Or you can use crystal decanters jo ki aaye the Bohemia se, Bohemian crystal. I'm sure aap logon ne suna hoga. जस्ट वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप क्रिस्टल डिकेंटर खरीदते हैं मेक श्योर दैट यू बाई अनलेडेड क्रिस्टल डिकेंटर. अगर उसमें लेड है उस क्रिस्टल में देन इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू स्टोर योर एल्कोहल इन दैट डिकेंटर. लुक फॉर अ डिकेंटर विच हैज़ अ गुड सील. फॉर एग्जाम्पल दिस डिकेंटर डजेंट हैव अ परफेक्ट सील बट दिस वन डज हैज़ बिकॉज इसमें एक रबर स्टॉपर है. I would not say it's perfect, but it's better than this one. Another important thing जो कई बार लोग ignore कर देते हैं, मेरे एक friend के साथ हुआ हुआ है, look for a decanter which has capacity of at least 750 ml, क्योंकि ज़्यादातर जो bottles आप खरीदेंगे वो 750 ml की होती हैं and अगर आपका decanter पूरी bottle को hold नहीं कर सकता देन आपकी कुछ अल्कोहल वेस्ट हो सकती है. आइडली आई लुक फॉर अ डिकेंटर विच हैज़ एटलीस्ट 1 लीटर वॉल्यूम, ताकि जो हमारा वाइन या विस्की है इट हैज़ इनफ स्पेस टू ब्रीथ. और लास्ट में आता है प्राइस. जैसे मैंने आप लोगों को बताया दैट दिस इज़ टोटली अप टू यू. अगर आप सोचते हैं कि डिकेंटर्स खरीदना इज नॉट गुड वैल्यू फॉर मनी, यू हैव टू कंसिडर दैट बाइंग अ गुड डिकेंटर विल एड to the looks of your home bar and it will last you a very long time. As long as apne decanter ka acche se khyal rakhte hain, it should last you a good long time. And even if you don't want to spend a lot of money on your decanter, there are cheaper options available, there are free options available jaise maine bataya. So think about getting a decanter, then plan your budget accordingly. क्या अभी भी आप लोगों के मन में कुछ questions हैं decanters को लेके? Then let me know in the comments. मैं कोशिश करूँगा कि उन comments का answer दूँ. अगर बहुत सारे questions हैं then I will try to make another video on decanters answering those questions. But अगर अच्छा लगा है आप लोगों को video then like करिए यार, like मारो मारो. Yes, like the video, share with your friends. And subscribe to the channel. We are going to cross
1 lakh सब्सक्राइबर्स वेरी सून. सो कीप वॉचिंग. मिलते हैं जल्दी. तब तक के लिए चीयर्स.